Hello friends, welcome to channel Teach Me Technically. What we are learning in this playlist is how to perform CRUD operations using Node.js, Express Framework and the view engine of HBS and using the database of MongoDB. In this video, what we are going to learn is bcrypt, which is a password hashing function. So, tamam doston ka channel Teach Me Technically mein swagat hai. आज के इस वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं वो ये है कि किस तरह से हम bcrypt का फंक्शन यूज कर सकते हैं। सो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल Teach Me Technically सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो अब हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करते हैं कि गूगल पर जाते हैं और चेक करते हैं कि bcrypt क्या है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू द गूगल एंड सर्चिंग फॉर bcrypt। सो आई हैव जस्ट ओपन द साइट npmjs.com एंड सर्च्ड अ पैकेज bcrypt। सो इट इज सेइंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू इंस्टॉल bcrypt इन माय ऐप। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज opening the terminal and installing the bcrypt in my own application. So I will write npm install bcrypt. So सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने terminal को on करना है और वहां पर आपने command execute करनी है npm install bcrypt, ताकि आपके जो पैकेज है आपके फोल्डर के अंदर वो इंस्टॉल हो जाए। सो द पैकेज हैज बीन इंस्टॉल्ड एंड व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू गो एंड चेक हाउ टू यूज bcrypt इन आर प्रोग्राम। सो बेसिकली हियर इज द फंक्शन टू हैश द पासवर्ड यूजिंग bcrypt.hash एंड द अदर फंक्शन इज bcrypt.compare। So what bcrypt do is it just hashes the password which the user enters. The second thing is when we want to compare both the passwords during login, then we will use bcrypt.compare function. So we can just copy this function from here and paste it in our signup function, so which we have made in our program, so that we can save the password user enters during signup in hash form. सो हम जो करने वाले हैं वो ये है कि हम ये दो फंक्शंस हैं bcrypt.hash और bcrypt.compare, हम इनको अपने असाइनमेंट के अंदर अपने जो सी एप्लीकेशन है उसमें यूज़ करेंगे। सो बेसिकली bcrypt.hash का फंक्शन ये कहता है कि जब भी आपने यूज़र से हमने इनपुट ली और पासवर्ड सेव करवाना है तो उसको हैश फॉर्म में सेव करवा लेते हैं। सो हैश फॉर्म में सेव करवाने के लिए हम जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो होता है bcrypt.hash, ठीक है। और जब हमने पासवर्ड फॉर एग्जांपल लॉगिन फॉर्म के अंदर पासवर्ड लेंगे और हम उसको कंपेयर करना चाहते हैं तो हम फंक्शन यूज़ करेंगे bcrypt.compare और यहाँ पर हम पैरामीटर दे देंगे जो यूज़र ने पासवर्ड एंटर किए और यहाँ पर वो आएगा जो bcrypt हमने डेटाबेस के अंदर सेव किया होता हैश। सो बेसिकली वो ये फंक्शन क्या करेगा, इसको कंपेयर करेगा और हमें रिजल्ट देगा कि आइदर ये ट्रू है या फॉल्स। सो अब हम क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन में जाकर इसको पेस्ट करते हैं और इसको अप्लाई करते हैं कि किस तरह से हम bcrypt फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। So we are just going to the sign up and what we need to do is we want that before saving the password we want to convert into a hash. So basically I'm going to write the function here and I'm just doing something and so here I need to pass the password which the user has entered. So I will write request.body.password and it was the password which the user has entered. Now the password has been converted into the hash. So what I need to do is I need to save hash instead of request.body.password. So I need to store hash as a password in my database. So अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये किया कि पहले तो हमने जो यूज़र ने इनपुट किया था पासवर्ड उसको यहाँ पर एंटर करवा दिया। इसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा, तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा ये इसकी हैश फॉर्म बनाएगा पासवर्ड की और वो
वैल्यू हमारे पास आ जाएगी हैश के अंदर इस वेरिएबल में। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो डेटाबेस के अंदर हम वैल्यू सेव करवाएंगे वो ये वाली वैल्यू नहीं होगी जो यूज़र ने एंटर की है, बल्कि वो वैल्यू होगी हैश वाली। सो हमने अपने जो पासवर्ड एंटर करवा रहे थे डेटाबेस के अंदर सेव करवा रहे थे, वहाँ पर हमने वैल्यू को पेस्ट कर दिया हैश को। सो अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं यूज़र जो एंटर कर रहा है पासवर्ड, क्या वो हैश फॉर्म सेव हो रही है या फिर जो एक्चुअल पासवर्ड है वो सेव हो रहा है। सो लेट्स ट्राई, वी आर गोइंग टू सेव द एप्लीकेशन एंड रन द एप्लीकेशन सो डैट वी कैन चेक वेदर द पासवर्ड इज बींग सेव्ड इन हैश फॉर्म और नॉट। सो आई एम गोइंग टू ओपन लोकल होस्ट। The bcrypt.hash function takes an input salt rounds. So what I'm going to do is I'm just making the value of salt rounds is equal to 3. So I'm just assigning the value to salt rounds is equal to 3. So finally our server has started. What we are going to do is we are going to the browser and check that our application is live or not. So localhost 302 and the application appears. So what we need to do is we have to create an account. I'm going to sign up, for example, Osama Maksud, osama@osama.com, and the password is 1, and I'm just creating the account. So what is going on? Basically what the error occurs is that it is saying that bcrypt is not defined. Actually we did not have required the bcrypt in our application, so we need to require it. So ye error is wajah se aaya kyunki humne bcrypt ko apni file ke andar require nahi kiya tha. तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर कोड लिखना है जिसके थ्रू हम बीक्रिप्ट को रिक्वायर करेंगे। सो आई एम जस्ट पेस्टिंग द कोड, कॉन्स्ट बीक्रिप्ट इज इक्वल टू रिक्वायर बीक्रिप्ट। सो आई एम जस्ट सेविंग द कोड। सो नाउ आई एम गोइंग टू चेक इट वंस अगेन आइदर इट इज वर्किंग और नॉट। सो लोकल होस्ट 302, आई एम गोइंग टू साइन अप उसामा मकसूद osama@osama.com and the password is 1. I'm going to create account once again, and finally the account of Osama Maksud has been created. So it means that we have created the account. We have created account of Osama Maksud not because we want to test that our application could create account or not. Actually we have created his account to check whether the password saved in MongoDB is actually the text or is saved in hash form. सो हमने उसामा मकसूद का अकाउंट इस वजह से बनाया कि हम चेक कर सकें कि क्या MongoDB के अंदर पासवर्ड जो है वो टेक्स्ट फॉर्म जो कि 1 हमने एंटर किया था वो सेव हुआ है या फिर कोई हैश फॉर्म सेव हुई है। सो अब हम क्या करते हैं कि MongoDB में जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि उसामा मकसूद का जो पासवर्ड है वो क्या है। सो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक करेक्टर एंटर किया था जो कि था 1, लेकिन हमारा जो पासवर्ड सेव हुआ है MongoDB में वो 1 नहीं है बल्कि एक हैश फॉर्म है। ठीक है, बेसिकली हमने क्या किया कि बीक्रिप्ट का फंक्शन यूज किया और उसके थ्रू हमने पासवर्ड को हैश किया और उसको सेव किया। ठीक है, सो यू कैन सी दैट आई हैव एंटर्ड द पासवर्ड 1 बट द पासवर्ड सेव्ड इन MongoDB इज नॉट 1, इट इज एक्चुअली अ हैश फॉर्म ऑफ द पासवर्ड विच आई हैव एंटर्ड। सो दिस मीन्स दैट वी हैव सक्सेसफुली use the bcrypt function in our signup. So what we need to do is we have to decode this hashed password and compare it with the original password in our login page so that user can log into his account. तो अब हमारा काम ये रह गया है कि यूजर जब लॉगिन करने के लिए आए और पासवर्ड एंटर करे तो हम उसको कंपेयर करें वो वाले पासवर्ड से जो कि सेव हुआ था डेटाबेस के अंदर। सो मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल टीच मी टेक्निकली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू कमेंट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल टीच मी टेक्निकली। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।